नमस्कार, स्वागत है आपका नाइन टीवी में और मैं हूं ऋतुपेश। फटाफट खबरों के जरिए नजर डाल लेते हैं सुपर 50 के जरिए। मुलायम सिंह यादव से बंगले के बाद अब योगी सरकार मर्सिडीज कार भी वापस लेगी। बता दें कि मुलायम सिंह यादव को दी गई मर्सिडीज गाड़ी में कुछ तकनीकी खामी आ गई है और उसकी मरम्मत के लिए 26 लाख रुपयों की जरूरत है। विभाग का कहना है कि पैसा बजट के बाहर है, इससे मुलायम सिंह यादव को कोई दूसरी कार दी जाएगी। हालांकि सपा ने सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की है। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव का शंखनाद करते हुए पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कश्मीर में धारा 370 खत्म करना हमारी पहली प्राथमिकता थी, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन पीओके भी भारत का हिस्सा है और जल्द ही पीओके में भी तिरंगा लहराता नजर आएगा। मुंबई में आयोजित चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस और तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों पर भी निशाना साधा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद कांग्रेस पाकिस्तान से भी ज्यादा परेशान है और कांग्रेस बेवजह कश्मीर को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस का ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उनके साहस को सराहनीय बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिनों के अमेरिका दौरे पर पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने ह्यूस्टन में ऊर्जा क्षेत्र के सीईओ से मुलाकात की। पीएम मोदी आज हाउडी मोदी कार्यक्रम को भी शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद रहेंगे। ये पहला मौका होगा जब अमेरिका का कोई राष्ट्रपति किसी विदेशी नेता के साथ इतने बड़े जनसमूह को संबोधित करेगा। पीएम मोदी ने ह्यूस्टन पहुंचकर सिख समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। सिख समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अमेरिका के ह्यूस्टन में बोरा समुदाय के लोगों से भी पीएम ने मुलाकात की। ह्यूस्टन में एनआरजी फुटबॉल स्टेडियम में हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान पीएम मोदी भारतीय मूल के 50,000 लोगों को संबोधित करेंगे। बिहार में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। दरअसल बिहार में 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। इन सीटों को लेकर एनडीए में बंटवारा हो गया है। विधानसभा की 5 सीटों में जेडीयू 4 सीटों पर जबकि 1 पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। वहीं लोकसभा की 1 सीट एलजेपी के खाते में जाएगी। पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने पर भारतीय वायुसेना की सर्जिकल स्ट्राइक के लगभग 7 महीने बाद पाकिस्तान की सरपरस्ती में आतंकी गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं। आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने बालाकोट स्थित अपने उस आतंकी ठिकाने को फिर से जिंदा कर लिया है। वैश्विक दबाव और निगाह से बचते हुए 40 जिहादियों को यहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते जैसलमेर में अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल जैसलमेर में भारत पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक भारत पाक की पश्चिमी सीमा पर बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पाकिस्तान से लगती सीमा पर ऑपरेशन सुदर्शन चलाया जा रहा है। आतंकी संगठन अलकायदा का कुख्यात संदिग्ध आतंकवादी मौलाना मोहम्मद कलीमुद्दीन मुजाहिदीन को झारखंड एटीएस की टीम ने जमशेदपुर से गिरफ्तार किया है। संदिग्ध आतंकी कलीमुद्दीन जमशेदपुर में न्यायालय से जमानत लेने और परिवार से मिलने के लिए आया था। खबर मिलने के बाद एटीएस की टीम ने जमशेदपुर स्टेशन रोड पर छापेमारी की और उसे दबोच लिया। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास आज सुबह बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। दरअसल सुबह करीब 11 बजे दिल्ली पुलिस की गाड़ी पर कार सवार बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक अक्षरधाम के पास दिल्ली पुलिस ने जब कार में सवार इन बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस की गाड़ी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस को जवाबी कार्रवाई करता देख बदमाश मौके से फरार हो गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज जेजेपी की तरफ से रोहतक में चौधरी देवीलाल के जन्मदिन के मौके पर रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने रोहतक को चौधरी देवीलाल की कर्मस्थली बताया और जमकर बीजेपी पर हमला किया गया और कहा कि बीजेपी के मनी पावर को मैन पावर हराएगी, आपका एक एक वोट कीमती है। वहीं इस रैली के जरिए जेजेपी ने चुनावी शंखनाद किया है।
हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही आम आदमी पार्टी ने 22 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हालांकि सूची में महज एक हॉट सीट पर उम्मीदवार का नाम घोषित किया गया है। ये सीट है गढ़ी सापल किलोई की, जिस पर भूपेंद्र हुड्डा विधायक हैं। इस सीट पर मुनिपाल अत्री को टिकट दी गई है। आप प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद का नाम इस सूची में नहीं है। वहीं ये सूची हरियाणा सह प्रभारी सुशील गुप्ता और नवीन जयहिंद ने जारी की। कर्नाटक में उपचुनाव की घोषणा हो गई है। निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक में 21 अक्टूबर को चुनाव कराए जाने का ऐलान किया है। इसके बाद कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के अयोग्य घोषित किए गए बागी विधायकों को सबसे बड़ा झटका लगा है। ये सभी विधायक उपचुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। बता दें कि उपचुनाव के तहत अब इन सीटों पर 21 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 24 अक्टूबर को मतगणना होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरी दुनिया इस वक्त आर्थिक मंदी से जूझ रही है। ऐसे में मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती पर साहसिक फैसला लिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी और निर्यात में इजाफा होगा। लखनऊ में आयोजित लीडरशिप डेवलपमेंट मंथन 3 कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वित्त मंत्रालय के फैसले से मंदी की मार झेल रहे उद्योगों को नई राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असम की तरह प्रदेश में भी एनआरसी को लागू करने की कवायद शुरू कर दी। सीएम योगी के मुताबिक यूपी पुलिस ने सभी जिलों में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों को चिन्हित करने का फैसला किया है। अवैध बांग्लादेशियों के साथ ही प्रदेश भर में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों का भी वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। यूपी में मंत्रियों की तीसरी ट्रेनिंग चल रही है। इससे पहले 8 सितंबर को मंत्रियों के लिए ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया गया था। इस ट्रेनिंग सेशन में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई, साथ ही लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल के बारे में भी ट्रेनिंग दी गई। वहीं अखिलेश यादव ने आईआईएम में चल रही सरकार के मंत्रियों की पाठशाला को लेकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा है कि आईआईएम में बार बार कर पाठशाला करने से अच्छा है कि सरकार राज्य को 2 आईआईएम और दे देती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के लोग वो तब जा रहे हैं जब सरकार को 2.5 साल पूरा हो गया, जबकि मंत्रियों को आईआईएम में शुरू में ही जाना चाहिए था। उज्जैन में कांग्रेस के पंचायत राज कार्यक्रम के दौरान जमकर अश्लील डांस देखा गया है। दौरान मंच में लगे बैनर में मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कैबिनेट मंत्रियों की फोटो दिखाई दी। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के बैनर तले जमकर बालाओं ने ठुमके लगाए। बता दें पंचायत सचिवों के कार्यक्रम में देर रात तक अश्लील डांस चलता रहा। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास चुनावी समर में संताल परगना से झारखंड मुक्ति मोर्चा को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुके हैं। जोहार जन आशीर्वाद यात्रा के तहत रविवार को रघुवर दास का पड़ाव साहिबगंज भी रहा। यात्रा के दौरान उमड़ती भीड़ को देखकर उत्साह से लबरेज रघुवर ने महिला सशक्तिकरण के साथ सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर एक बार फिर से अपना गुस्सा जाहिर किया है। पुणे में एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि पिछले 6 सालों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं कई बार हुई हैं। उन्होंने कहा कि पुणे में मोहसिन शेख नाम के शख्स की हत्या के साथ ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था। इसके बाद मोहम्मद अखलाक को मार दिया गया। शशि थरूर ने कहा है कि क्या चुनाव के एक नतीजे ने इन लोगों को इतनी ताकत दे दी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों के साथ जनसभा और रैलियों ने स्पीड पकड़ ली है, जिसके तहत कांग्रेस ने भी रोहतक से अपना चुनाव का शंखनाद कर दिया है। रोहतक में कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस सम्मेलन में शिरकत की। हरियाणा के रेवाड़ी में 4 बदमाशों ने एक लड़की को अपहरण कर लिया है। हालांकि इस दौरान एक युवक ने साहस दिखाते हुए लड़की को बचाने की कोशिश की, मगर बदमाशों ने युवक को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया। घटना के बाद घायल युवक को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। हाथरस के जिलाधिकारी के फोन पर आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल बनकर एक जालसाज युवक ने कॉल कर धमकी दी। इसके बाद जिलाधिकारी ने एसपी को फोन कर इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के कुशीनगर में कई गांव में नारायणी नदी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। अचानक विकराल रूप धारण कर नारायणी नदी
बैक रोलिंग करते हुए बंधे का कटान करना शुरू कर दिया है। नदी के भयानक रूप को देख लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन उचित सहयोग मुहैया नहीं करा पाने में असफल साबित हो रहा है। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि अब तक लगभग एक दर्जन से ज्यादा घर नदी की धारा में बह गए हैं। आगरा में चंबल नदी के बाहर मगरमच्छ ने कुछ लोगों पर हमला बोल दिया, हालांकि वो बाल बाल बच गए। उधर घटना की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ का रेस्क्यू कर उसे काबू किया गया। फिलहाल वन कर्मियों ने मगरमच्छ को कड़ी मशक्कत के बाद लाकर पिनाहट घाट पर चंबल नदी में छोड़ दिया। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण शहरी इलाकों और कई गांवों में पानी घुस गया है। इस वजह से हजारों घर डूब गए हैं। इन घरों में लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। बता दें कि गंगा यमुना का जलस्तर तेजी से खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है। दोनों नदियों के रौद्र रूप धारण करने से निचले इलाकों में हड़कंप मच गया। दो दर्जन से ज्यादा मोहल्ले और 50 के करीब गांव बाढ़ की चपेट में है। बाराबंकी जिले में किसानों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी ने पुलिस और जिले के आलाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें किसानों द्वारा उठाए गए जिले के कई अहम मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा की गई है। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश और दिए गए हैं और कहा है कि हर हाल में इससे निपटा जाए। वहीं बैठक के दौरान हैदरगढ़ कोतवाली में दर्ज कोटे के नाम पर ठगी करने के मुकदमे में भी डीएम ने जांच के बाद बड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। चमोली में निमजुला मार्ग पर ब्यारा के समक्ष मार्ग से एक मैक्स गाड़ी 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। हालांकि अंधेरा होने से रेस्क्यू टीम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और एनडीआरएफ ने देर रात तक रेस्क्यू कर दो शवों को बाहर निकाला। ग्रामीणों का कहना है कि गाड़ी में चार लोग सवार थे। फिलहाल दो लोगों के शव मिल गए हैं, जबकि दो अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश में प्रशासन जुटा हुआ है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए 24 घंटे के धरने पर बैठे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार रात को भजन और जागरण कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर संगीत का आनंद लिया। इस वीडियो में बीजेपी के मंदसौर से सांसद सुधीर गुप्ता शिवराज सिंह पर नोट उड़ाते हुए नजर आए। वहीं बीजेपी विधायक सिसोदिया मस्त डपली बजाते नजर आए। पूरे देश में प्लास्टिक उपयोग पर रोक को लेकर शासन प्रशासन पहल को लेकर जन जागरूकता अभियान में छत्तीसगढ़ की सरकार भी जागरूक हो गई है। इसी कड़ी में गरियाबंद जिले में भी जागरूकता के लिए जिला कलेक्टर श्याम गावड़े के नेतृत्व में आज साइकिल रैली निकालकर जनमानस को प्लास्टिक के कारण होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया और उस पर तुरंत ही प्लास्टिक उपयोग बंद कर कागज के लिफाफों और कपड़ों के बने झूलों को उपयोग में लाने का निवेदन किया गया है। हमीरपुर जिले की सदर विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में 23 सितंबर को वोटिंग होनी है, जिसके लिए आज भारी पुलिस बल के साथ पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। शांतिपूर्ण मतदान के लिए भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल भी व्यवस्था में चुस्त दिखाई दिए। बता दें कि हमीरपुर की सीट नंबर 228 विधानसभा में 23 सितंबर को वोटिंग होगी, जिसके लिए कुल 476 बूथ और 256 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। संभल में पुलिस ने छापेमारी कर एक कारखाने से लाखों रुपयों की चोरी का सामान बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने मौके से दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल ने बताया है कि नखासा थाना क्षेत्र में 4 दिन पहले भी पुलिस ने इसी थाना क्षेत्र से बरामद किए थे चोरी के 10 ट्रैक्टर सहित करीब 7 लाख चोरी का माल अब तक बरामद हो चुका है। मारुति सुजुकी इंडिया ने इस महीने के अंत में त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही मिनी एसयूवी एस्प्रेसो को लॉन्च किया है, जिसका भारतीय ग्राहकों को बेसब्री से इंतजार है। एमएसआई अपनी कार मारुति सुजुकी एस्प्रेसो को 30 सितंबर को लॉन्च करेगी। भारत के साथ साथ इसे कई और देशों में भी लॉन्च किया जाएगा। गौरतलब है कि मारुति एस्प्रेसो साल 2018 के ऑटो एक्सपो में पेश किए गए मारुति फ्यूचर एस कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इसकी कीमत 3.3 लाख से 4.5 लाख रुपए के बीच रहने की उम्मीद है। देश में इस वक्त मंदी का दौर जारी है और इसका सबसे ज्यादा असर देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पड़ रहा है। ऐसे में कई कंपनियां कारों की बिक्री बढ़ाने के लिए डिस्काउंट और ऑफर्स की पेशकश कर रही हैं।
इन कंपनियों में हुंडई मोटर्स भी शामिल है जो अपने लाइनअप में मौजूद कई कारों पर शानदार ऑफर दे रही है। कंपनी अपनी कुछ कारों पर तो 2 लाख रुपए तक का बम्पर डिस्काउंट भी दे रही है। पेट्रोल और डीजल पहले ही दाम बढ़े हुए हैं, लेकिन 25 सितंबर के बाद और ज्यादा दाम बढ़ जाएंगे। इसके चलते पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। 5 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल 1.32 रुपए लीटर महंगा हो गया है, जबकि डीजल के दाम में 1.10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। देश के बाकी शहरों में भी डीजल और पेट्रोल के दाम में इसी प्रकार 1 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई ये बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में आई तेजी के कारण है। चीनी स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। Redmi 8A को भारत में कंपनी 25 सितंबर को लॉन्च करेगी। कंपनी ने Redmi 8A का टीजर भी जारी कर दिया है। इस टीजर में वाटर ड्रॉप स्टाइल नॉच दिख रहा है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को कंपनी ने Redmi 7A भारत में लॉन्च किया था। 2 महीने के बाद ही कंपनी ने इसका अगला वर्जन ऐलान कर दिया। सेंसेक्स में बड़े उछाल के बाद 10 बड़ी कंपनियों में से 6 कंपनियों को बीते सप्ताह 1.15 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। HDFC बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर को सबसे ज्यादा फायदा दर्ज किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कॉरपोरेट कर में कटौती समेत कई उपाय करने से सेंसेक्स में 1921 अंक की तेजी आई है। वहीं सेंसेक्स में ये बढ़ोतरी बीते एक दशक में सबसे ज्यादा है। इसी के साथ एक हफ्ते के आधार पर सेंसेक्स 629.63 अंक बढ़ गया। इससे रिलायंस इंडस्ट्री, कोटक महिंद्रा, ICICI बैंक और SBI शामिल है। पाकिस्तान की एयरलाइंस की बदहाली का बड़ा खुलासा हुआ है। आर्थिक मोर्चे पर संघर्ष कर रहे पाकिस्तान के विमानों में अब कोई सफर करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की एयरलाइंस को यात्री तक नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने 82 विमानों को बगैर यात्री के ही उड़ान भरना पड़ा। इसके चलते पाकिस्तानी एयरलाइंस को 18 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका का एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड को पानी की गहराई में प्रपोज करना चाहता था, लेकिन उसी पानी की दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। प्रेमी जोड़ा छुट्टियां मनाने के लिए तंजानिया गया हुआ था। स्टीव वेवर नाम का ये शख्स और उनकी गर्लफ्रेंड कनेशा एंटोनिन पैंपा द्वीप से कुछ दूर मांटा रिजॉर्ट में एक जलमग्न कैबिन में ठहरे हुए थे। दुर्घटना के बाद के कुछ फुटेज सामने आए हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच को जीतकर भारत सीरीज अपने नाम करना चाहती है। धर्मशाला में पहला T20 मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। भारत ने मोहाली में दूसरा मैच 7 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। मैच की अहमियत को देखते हुए भारतीय टीम पूरे जोश के साथ तैयारी में लगी हुई है और खिलाड़ी मैच से पहले मैदान पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। ऋषभ पंत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से पहले कोच रवि शास्त्री और विराट कोहली ने साफ साफ चेतावनी दी है। रवि शास्त्री ने काफी कड़े लहजे में तो विराट कोहली ने नर्म लहजे में पंत को शॉट सिलेक्शन सुधारने और बल्लेबाजी सुधारने की हिदायत दी है। पंत को इसे बेहद गंभीरता से लेना होगा और अपने बल्ले से कुछ कमाल करके दिखाना होगा। टीम इंडिया आज दक्षिण अफ्रीका से बेंगलुरु के मैदान पर T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में भिड़ेगी। जिस तरह धर्मशाला में पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था, तीसरे और आखिरी T20 मुकाबले पर भी बारिश के काले बादल मंडरा रहे हैं और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अगर आज मुकाबला हुआ भी तो पूरा नहीं हो पाएगा। टीम का हिस्सा न बनने पर कुलदीप यादव का बयान सामने आया है। लेग स्पिनर कुलदीप यादव ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हो रही T20 सीरीज के लिए टीम का हिस्सा नहीं बन पाने का उन्हें बिल्कुल भी दुख नहीं है। उनका कहना है कि वो इसे एक मौके के रूप में देखना चाहते हैं और इसका इस्तेमाल आने वाले टेस्ट सीरीज के लिए अपनी तैयारी करने में कर रहे हैं। भारत के पुरुष मुक्केबाज अमित पंघल विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 52 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में हारकर रजत पदक तक ही सीमित रह गए। उनकी हार के साथ ही पूरे भारत का गोल्ड का सपना अधूरा रह गया।
बिग बॉस सीजन 13 के लिए शो के होस्ट सलमान खान भी नए सीजन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। शो के सीजन में टीवी के जाने माने चेहरे नजर आएंगे, जिसमें फैन क्लब पर 8 सेलेब्स के नामों को कन्फर्म किया गया है, जिनमें सीरियल बालिका वधू की सिद्धार्थ, साथ निभाना साथिया की देवलेना शामिल है। टीवी एक्टर हिना खान ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरों को शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ब्लैक कलर के नाइट वियर में फोटोशूट कराया है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। हिना खान को उनकी स्टाइल स्टेटमेंट के लिए जाना जाता है। बिग बॉस 11 के बाद से हिना खान स्टाइल आइकन बन गई हैं। शो में उनके आउटफिट और स्टाइल टॉकीज पॉइंट भी रहे थे। हिना ने अपनी फिटनेस को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। अब हिना की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। श्रीदेवी और बॉनी कपूर की लाडली बेटी जाह्नवी कपूर अपने लुक्स के साथ अपनी फिटनेस पर भी जमकर ध्यान देती हैं। फिल्मों की शूटिंग में बिजी जाह्नवी कभी भी जिम जाना नहीं भूलती। वो अपने वर्कआउट के लिए बिजी शेड्यूल से भी समय निकाल लेती हैं। हाल में जाह्नवी कपूर को मुंबई के पायलट जिम के बाहर स्पॉट किया गया। जिम के बाहर जाह्नवी एक स्पेशल फ्रेंड के साथ मस्ती करती हुई दिखाई दी। ऋतिक और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर का एक पार्टी नंबर सॉन्ग सामने आ गया है। जय जय शिव शंकर ये गाना सामने आया है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। कुछ समय पहले फिल्म का पहला गाना घुंघरू रिलीज हुआ, जिसे YouTube पर 50 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि ऋतिक और टाइगर फिल्म वॉर में पहली बार एक साथ नजर आने जा रहे हैं, जिसका ट्रेलर दोनों के फैंस ने काफी पसंद किया है। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और नुसरत भरूचा की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। करण देओल की डेब्यू फिल्म पलपल दिल के पास, सोनम कपूर की द जोया फैक्टर और संजय दत्त की प्रस्थान रिलीज होने के बाद भी ड्रीम गर्ल की कमाई में कोई गिरावट दर्ज नहीं की गई। वहीं बॉक्स ऑफिस इंडिया.com के मुताबिक ड्रीम गर्ल ने 9वें दिन 9 करोड़ रुपए का शानदार बिजनेस किया है।